दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, बस शर्त ये है आप इसे ध्यान से सुने। ये कहानी एक हिरन की है। एक बार की बात है, एक हिरन पानी की तलाश में जंगल में इधर से उधर घूम रहा था, भटक रहा था पानी की तलाश में, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा। थोड़ी देर जंगल में और भटकने के बाद वो हिरन एक पेड़ के नीचे, एक झाड़ के नीचे बैठ जाता है। उतने में उसे पानी की नदी की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है, तो हिरन उस झाड़ से उठकर फौरन नदी की तरफ बढ़ता है। वो देखता है उसके सामने एक बहुत बड़ी नदी आती है। जैसे ही वो हिरन उस नदी को देखता है, बहुत खुश होता है, मानो जैसे उसको नया जन्म मिल गया हो। वो फौरन दौड़कर उस नदी के पास जाता है, और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सर नदी में झुकाता है, तो उसकी नज़र अपने राइट साइड में पड़ती है। वैसे ही वहाँ शिकारी खड़ा होता है, जो कि तीर लेकर अपने निशाना तान के खड़ा होता है। जैसे ही उस हिरन की नज़र अपने लेफ्ट साइड में पड़ती है, तो वहाँ उसे एक शेर नज़र आता है, जो कि झाड़ियों के पीछे खड़ा होता है। अब हिरन पानी वानी सब भूल जाता है, कुछ भी नहीं रहता उसके माइंड में। फिर वो हिरन पलट कर अपने पीछे देखता है, तो उसे भयंकर आग लगी रहती है उसके पीछे, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है। अब हिरन जाए तो जाए किधर? शिकारी ने अपना निशाना साधा हुआ था, शिकारी ने शूट करा, वो निशाना चूक के शेर के लग गया, तो वो शेर शिकारी के पीछे भागा। उनको पता चलता है, जैसे ही हिरन अपने सर को पानी से निकालता है, तो वो अपने राइट साइड में देखता है, शिकारी कहीं पर भी नहीं नज़र आता। लेफ्ट साइड में देखता है, शेर कहीं पर भी नज़र नहीं आता, और अपने पीछे लगी आग को देखता है, वो भी बुझ जाती है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम आती नहीं है, और जब आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं, जिस कारण हर इंसान डर जाता है, घबरा जाता है अपनी प्रॉब्लम से। तो आपको क्या करना है? आपको ना ही डरना है, ना ही घबराना है, बस शांति से 2 मिनट के लिए सोचना है। हिरन के पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे। हिरन भी यह सारी सिचुएशन देखने के बाद पानी में छलांग लगा सकता था, या फिर इधर उधर भाग सकता था, लेकिन उसने शांति से सोचा। वो अपने काम पर लगा रहा, वो पानी पीने आया था, पानी पीने लगा। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी ही दूर रहता है, लेकिन उसे मुसीबतें दिखनी शुरू हो जाती हैं, लाइक घर की प्रॉब्लम्स, पैसे की प्रॉब्लम, जिसके कारण वो कुछ नहीं कर पाता, डर जाता है, घबरा जाता है। लेकिन आपको नहीं डरना है और ना ही घबराना है, बस आपको अपने काम पर बने रहना है, अपने काम पर फोकस रखना है। मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो ये मत सोचना कि दुनिया क्या कहेगी, अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो करो, क्योंकि अगर आप कुछ कर जाओगे तो दुनिया आपकी ही होगी।